नमस्कार, केटीएचएम महाविद्यालय नासिक, विभाग हिंदी, कक्षा एमए द्वितीय वर्ष, सेमेस्टर तृतीय, प्रश्न पत्र क्रमांक 10, भाषा विज्ञान। इकाई 1 के अंतर्गत आज हम भाषा विज्ञान की परिभाषा देखने वाले हैं। मैं डॉक्टर जगदीश परदेसी। पाठ्यक्रम के अनुसार प्रथम इकाई में हमें भाषा विज्ञान इस मद्दे के अधीन भाषा विज्ञान की परिभाषा, उसके स्वरूप और उसके व्याप्ति को देखना है, साथ ही अध्ययन की दिशाओं को भी देखना है। कुल यह कार्य हमें 15 तासिकाओं के अंतर्गत करना है। सबसे पहले भाषा और विज्ञान। पिछले तासिका में हमने भाषा के बारे में अध्ययन किया, भाषा किसे कहते हैं, उसका उद्गम और विकास किस प्रकार से होता है, भाषा के अभिलक्षण कौन से हैं, भाषा के विविध रूपों को देखा, साथ ही भाषा का महत्व भी देखा। भाषा और विज्ञान, यहाँ दूसरा शब्द विज्ञान आ गया है। शब्द कोश के आधार पर विज्ञान यह अपना अर्थ रखता है। विज्ञान में पदार्थ, स्थूल हो, सूक्ष्म हो, द्रव हो, इनका अध्ययन विशिष्ट पद्धति के अनुसार किया जाता है। विश्लेषण संश्लेषण की प्रक्रिया जिसके अंतर्गत होती है, तत्व या कुछ आधारों पर जिसकी तुलना, समीक्षा या उसका कार्य किया जाता है, वह सब प्रक्रिया विज्ञान के अधीन आ जाती है। आज हम भाषा विज्ञान, यह शब्द जो है यह कैसे निर्माण हुआ, इसका अर्थ क्या है, विद्वानों ने इसकी क्या परिभाषाएं दी है, इसे देखने वाले हैं। हम देखते हैं कि भाषा विज्ञान के अंतर्गत मूल रूप से देखें तो भाषा का व्यवस्थित शास्त्र अनुसार अध्ययन करना, इतनी भी अगर हम संकल्पना लेते हैं, उसकी व्याख्या बना लेते हैं, तो वह किस प्रकार से, वह देखते हैं। सबसे पहले भाषा विज्ञान इस विषय को या जिसमें भाषा का अध्ययन हो, इसे कौन सा नाम दे, तो विद्वानों में मतभेद थे। कई सारे विद्वानों ने भाषिकी नाम दिया, कुछ विद्वानों ने भाषा लोचन नाम दिया, तो कुछ भाषा शास्त्र इस नाम को भी अभिव्यक्त करने के लिए कहते हैं। परंतु अंग्रेजी के लिंग्विस्टिक के अनुवाद के रूप में भाषा विज्ञान यह शब्द अधिक प्रचलन में रहा है। भाषा विज्ञान या लिंग्विस्टिक और फिलोलॉजी, दो शब्द हमें अंग्रेजी में भी दिखाई देते हैं और इनका अर्थ एक ही लिया जाता है। वैसे ही यहाँ पर अनुवाद के रूप में कहो या उस भाषा के अध्ययन के पद्धति के रूप में कहो, हम भाषा विज्ञान इस शब्द को लेते हैं जिसका चयन कई सारे विद्वानों ने किया हुआ है। अब भाषा विज्ञान की जो प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया पहले भारत में हुई थी या नहीं, तो अगर हम संस्कृत के ग्रंथ देखते हैं, व्याकरण के ग्रंथ देखते हैं, तो हमें यही प्रक्रिया दिखाई देती है। केवल अंतर यह है कि वह पद्धति का विश्लेषण करने की भूमिका में, परंतु आधुनिक युग में जो नए दृष्टिकोण से अध्ययन होता है, उस दृष्टि को ही रखने के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। अब सीधे सीधे देखते हैं क्या अर्थ हो सकता है भाषा विज्ञान का। भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन जिस पद्धति में किया जाता है, उसे भाषा विज्ञान कहते हैं। यहां पर वैज्ञानिक अध्ययन को महत्व दिया है और पद्धति, यह दो बातें महत्वपूर्ण है भाषा के दृष्टि से। अब प्रश्न यह निर्माण होता है कि वैज्ञानिक अध्ययन करना है और विज्ञान के रूप में देखें तो ठोस पदार्थ हो, तरल पदार्थ हो, उनका अध्ययन उसमें होता है, तो यह भाषा का अध्ययन कैसे करेंगे। भाषा तो पदार्थ नहीं है, एक व्यवस्था है। जैसे भाषा पदार्थ नहीं, एक व्यवस्था है, और प्रत्येक व्यवस्था व्यवस्थित क्रम से विश्लेषण विज्ञान है। अर्थात भाषा तो तरल या ठोस पदार्थ नहीं है,
परंतु वह एक संरचना है, मानसिक प्रक्रिया है, उसकी एक अपनी व्यवस्था है। उस व्यवस्था का भी जब हम क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से विश्लेषण करते हैं तो उसे विज्ञान कहा जाएगा। इसलिए विद्वानों ने भाषा विज्ञान के शब्द को रखा है। भाषा विज्ञान का अध्ययन 18वीं शती के अंतिम दशक से माना जाता है, अर्थात इसका उदय काल ही आधुनिक युग से 18वीं शती के अंतिम दशक से है। परंतु इसके बावजूद भी हमने देखा कि भाषा के अध्ययन की परंपरा प्राचीन भारत और यूरोप में भी विद्यमान थी। उसे अलग अलग नामों से परिभाषित करने का प्रयास भी होता था। इसलिए हम देखते हैं कि व्याकरण, पद, निरुक्त, व्युत्पत्ति, इन विशेष शब्दों को लेकर भी व्याकरण में अधिक से अधिक चर्चाएं हुई है। केवल अंतर यह है विश्लेषण की पद्धति, पहले की विश्लेषण की पद्धति अलग थी और आज की विश्लेषण पद्धति में एक ठोस, एक कहे तो पद्धति का, तंत्र का जो है अवलंब किया जाता है। इसलिए यह भाषा विज्ञान की पद्धति को एक रूप, प्रारूप जो है निर्माण हुआ है। पहले जो विश्लेषण हो गया था ग्रंथों में, तो उसमें उस व्यक्ति ने ही अपने दृष्टि से रखे हुए मत थे, और आज जो भाषा विज्ञान में भाषा का अध्ययन किया जाता है वह सर्वमत होता है, या उसको एक पद्धति में ढाला जाता है और वो पद्धति जो है वैज्ञानिक होती है। इस प्रकार से भाषा विज्ञान में हम देखें तो भाषा का व्यवस्थित वैज्ञानिक प्रणाली के द्वारा अध्ययन करना महत्वपूर्ण माना गया है। भाषा विज्ञान को पारिभाषित करने का प्रयास भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने किया हुआ है। सबसे पहले भाषा क्या है इसके बारे में पतंजलि ने यही कहा था, वक्ता वाची वर्ण एषा त इमे वक्तवाच, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त होती है उसे भाषा कहते हैं। यहाँ पर पतंजलि जी ने वाणी वर्णों को ही महत्व देते हुए उसके मूल से ही प्रारंभ कर दिया था। अतः भाषा विज्ञान के अर्थ तथा स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने समय समय पर भाषा विज्ञान की परिभाषा की है। वह किस प्रकार है वह देखते हैं। भारतीय मत इस प्रकार है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार भाषा विज्ञान उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें भाषा मात्र के भिन्न भिन्न अंगों एवं स्वरूपों का विवेचन तथा निरूपण किया जाता है। अब उपर्युक्त परिभाषा में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भाषा विज्ञान को शास्त्र कहा है। उनकी दृष्टि में भाषा विज्ञान और शास्त्र में कोई अंतर नहीं है, परंतु भाषा विज्ञान और भाषा दोनों अर्थ की दृष्टि में पर्याप्त अंतर है, अर्थात भाषा विज्ञान और भाषा को वह अलग रख रहे हैं। भाषा केवल एक व्यवस्था है, मानव मुख से उच्चारित ध्वनियों का समूह है, और भाषा विज्ञान को वह शास्त्र के रूप में रख रहे हैं जिसका विश्लेषण जो है, विवेचन जो है, उसके अंगों का किया जाता है। यहाँ पर यह बता रहे हैं। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार क्या है भाषा विज्ञान? डॉक्टर बाबूराव सक्सेना कहते हैं, भाषा विज्ञान का अभिप्राय भाषा का विश्लेषण करके उसका दिग्दर्शन कराना है। भाषा का विश्लेषण जो किया जाता है उसे वो भाषा विज्ञान कह रहे हैं, और उसका दिग्दर्शन करने के लिए भी कह रहे हैं। अब प्रश्न यह निर्माण हो जाता है कि भाषा का विश्लेषण किस प्रकार करें और दिग्दर्शन किस प्रकार से हो। इस बात को डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने जो है निश्चित या स्पष्ट नहीं किया है, अर्थात यह परिभाषा भाषा विज्ञान को या भाषा विज्ञान के स्वरूप को अधिक व्यापक बना रही है। केवल वह व्यापक रूप में कौन कौन से बिंदु आए इसके ओर उन्होंने संकेत नहीं किया है। अगले विद्वान है डॉक्टर देवेंद्र शर्मा। भाषा विज्ञान की परिभाषा करते हुए लिखते हैं, भाषा विज्ञान का सीधा अर्थ है भाषा का विज्ञान,
और विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान। इस प्रकार भाषा का विशिष्ट ज्ञान भाषा विज्ञान कहलाता है। यहाँ पर देवेंद्रनाथ शर्मा जी ने भाषा का विज्ञान, वह कह रहे हैं भाषा का विज्ञान और विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान, उन्होंने विशिष्ट ज्ञान को महत्व दिया है। अर्थात किसी भाषा का विशिष्ट ज्ञान ग्रहण करने की प्रक्रिया को भाषा विज्ञान कहा है। यह उनका जो अर्थ है, अगर वह किस प्रकार से ज्ञान ग्रहण किया जाए, कैसा ज्ञान और कहा कौन से स्तर तक वह ज्ञान ग्रहण करना है, यानी भाषा विज्ञान है, इन बिंदुओं को वह स्पष्ट नहीं करते हैं। केवल उन्होंने इतना ही कहा है कि विशिष्ट ज्ञान जो प्राप्त व्यक्ति कर लेता है वो भाषा विज्ञान का अध्ययन कर रहा है। अब इनकी परिभाषा में किसी पद्धति का तो उल्लेख नहीं हुआ है, केवल उन्होंने भाषा विज्ञान को एक विशिष्ट ज्ञान तक लेकर गए हैं। अगले विद्वान है डॉक्टर देवी शंकर के अनुसार भाषा विज्ञान को, अर्थात भाषा के विज्ञान को भाषिकी कहते हैं। भाषिकी में भाषा का वैज्ञानिक विवेचन किया जाता है। इन्होंने भाषिकी यह शब्द जो है महत्वपूर्ण माना है और भाषिकी में भाषा का वैज्ञानिक विवेचन किया जाता है। भाषिकी शब्द उन्होंने इस अध्ययन को दे दिया और इस भाषिकी के अंतर्गत वह वैज्ञानिक अध्ययन को मान्यता देते हैं। पर वो वैज्ञानिक विवेचन किस प्रकार से हो, कैसा हो, इसके तत्व उन्होंने भी अभिव्यक्त नहीं किए हैं। केवल यहाँ पर एक वैज्ञानिक विवेचन, यानी देवेंद्रनाथ शर्मा जी की परिभाषा में विशिष्ट ज्ञान, देवी शंकर जी के परिभाषा में हमें वैज्ञानिक विवेचन, ऐसे नए शब्द, व्यापक शब्द, अलग क्षेत्र के शब्द जो है प्राप्त हो रहे हैं, जिससे हम उनके स्वरूप के बारे में, भाषा विज्ञान के स्वरूप के बारे में और अधिक से समझ सकते हैं। अगले विद्वान हैं डॉक्टर मंगल देव शास्त्री के अनुसार भाषा विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जिसमें सामान्य रूप से मानवीय भाषा का, किसी विशेष भाषा की रचना और इतिहास का, और अंततः भाषाओं, प्रादेशिक भाषाओं या बोलियों के वर्गों की पारस्परिक समानताओं और विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पर इस परिभाषा में विशेष भाषा का उसकी रचना और इतिहास के आधार पर अध्ययन तथा उस भाषा का अन्य प्रादेशिक भाषाओं एवं बोलियों के समूह के साथ तुलनात्मक अध्ययन पर बल दिया है। ऐतिहासिक दृष्टि से इन्होंने कहा है कि विशेष भाषा और उसी समय जो अन्य भाषाएं हैं उनका भी तुलनात्मक अध्ययन करना, वह इस परिभाषा में नई बात लेकर आए हैं। इस प्रकार परिभाषाकार या भाषा विज्ञान के अंतर्गत एक भाषा विशेष के रचनात्मक और ऐतिहासिक अध्ययन और विवेचन को आवश्यक मानते हैं, वही भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन को भी वह महत्व दे रहे हैं। यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु यह आ गए हैं, भाषा की विशेष रचना, ऐतिहासिक अध्ययन और उसका विवेचन, और तीसरी बात है तुलनात्मक अध्ययन। मंगल देव शास्त्री जी ने व्यापक रूप में भाषा विज्ञान के अंतर्गत या भाषा विज्ञान किसे कहा जाए तो इसे बहुत अच्छे से स्पष्ट किया हुआ है कि वह कह रहे हैं कि इसमें तुलनात्मकता महत्वपूर्ण है, रचना महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक अध्ययन और उसका विवेचन भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर नए बिंदु में व्यापक रूप से भाषा विज्ञान के अंतर्गत हमें देखना है। अगले विद्वान हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। इन्होंने भाषा की परिभाषाएं इस प्रकार दी हुई है। पहली परिभाषा यह दी हुई है कि भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषा विशिष्ट कई और सामान्य का समकालिक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक और प्रायोगिक दृष्टि से अध्ययन और तद विषय सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता है। अब जितने विद्वानों की हमने परिभाषाएं देखी, उन परिभाषाओं में व्याप्त विशेषताओं को इन्होंने संग्रहित किया हुआ है
या उन सब बातों को इनकी परिभाषाओं में हम देख सकते हैं कि समकालीन, जैसे ऐतिहासिक देख रहे हैं और उस समय की तुलनात्मक देख रहे हैं, ऐतिहासिक तुलनात्मक और प्रयोग के दृष्टि से भी। यहाँ पर मंगलदेव शास्त्री ने जो तीन बातें कही थी उसमें आगे बढ़ते हुए भोलानाथ तिवारी जी ने प्रयोगिक दृष्टि से अध्ययन और सिद्धांतों का निर्धारण, ये दो बातें और उसमें सम्मिलित की है और उसे उस आधार पर वह भाषा विज्ञान का अध्ययन कह रहे हैं। दूसरी परिभाषा इस प्रकार दी हुई है, जिस विज्ञान के अंतर्गत ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन के सहारे विशिष्ट नहीं अपितु सामान्य भाषा की उत्पत्ति, गठन, प्रकृति एवं विकास आदि की सम्यक व्याख्या करते हुए इन सभी के विषय में सिद्धांतों का निर्धारण हो, उसे भाषा विज्ञान कहते हैं। और अपनी ही बात पहली जो परिभाषा है उसे और सूक्ष्मता से अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने भाषा की उत्पत्ति, उसका गठन, उसकी प्रकृति और उसका विकास, इन सब बिंदुओं को वह लेकर आए हैं और एक किसी भाषा की इन बार विशेषताओं को देखना, उसका अध्ययन करना और एक निश्चित सिद्धांत तक पहुंचने की प्रक्रिया को वह भाषा विज्ञान कह रहे हैं। इस प्रकार इससे पहले जो विद्वानों ने परिभाषाएं दी हुई है उन परिभाषाओं की जो व्यापक महत्वपूर्ण बिंदु है उन सब बिंदुओं का समावेश हमें भोलानाथ तिवारी जी की परिभाषा में दिखाई देता है और उन्होंने अपनी परिभाषा के माध्यम से भाषा विज्ञान का स्वरूप अच्छी तरह से स्पष्ट किया हुआ है। इस प्रकार भारतीय विद्वानों ने जो है भाषा विज्ञान के बारे में अपने मत अभिव्यक्त किए हैं। अब पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार भाषा विज्ञान किसे कहे? ग्लीसन, इन्होंने कहा है, डिस्क्रिप्टिव लैंग्विस्टिक द डिसिप्लिन विच स्टडीज लैंग्वेज इन टर्म्स इंटरनल स्ट्रक्चर, अर्थात डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक अध्ययन करते समय उनकी आंतरिक संरचना को ध्यान में रखा जाता है। यहाँ पर हमने पहले देखा कि भाषा विज्ञान यह शब्द भारत में या हिंदी साहित्य में उसका प्रयोग हो रहा है तो इसे अंग्रेजी के अनुवाद के रूप में लिंग्विस्टिक कहा जाता है। तो यहाँ पर ग्लीसन ने आंतरिक संरचना, भाषा के आंतरिक संरचना का अध्ययन महत्वपूर्ण माना है। अगले विद्वान है प्रोफेसर एल पी गुणे, कॉम्परेटिव फिलोलॉजी और सिंपली फिलोलॉजी इज द साइंस ऑफ लैंग्वेज, फिलोलॉजी स्ट्रिक्टली मीन्स द स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज फ्रॉम द लिटररी पॉइंट ऑफ व्यू, अर्थात तुलनात्मक भाषा विज्ञान और केवल भाषा विज्ञान यह भाषा का विज्ञान है। भाषा विज्ञान का मुख्य अर्थ भाषा का अध्ययन है। उन्होंने सीधे और स्पष्ट कह दिया है कि तुलनात्मक भाषा विज्ञान फिलोलॉजी या केवल भाषा विज्ञान फिलोलॉजी कहा जाता है। साहित्यिक दृष्टि से इसका मुख्य अर्थ भाषा का अध्ययन है। कॉम्परेटिव या तुलनात्मक भाषा विज्ञान और सिंपली फिलोलॉजी यह भाषा विज्ञान ही है, यानी दो शब्द जो पाश्चात्य साहित्य में प्रयुक्त हुए थे उनके अध्ययन की जो प्रक्रिया है अंतर्गत वह एक जैसी है और उन दोनों का केवल अर्थ इतना ही है कि भाषा का अध्ययन करना। और इस प्रकार उन्होंने पाश्चात्य दो शब्दों का मेल और उनका अर्थ एक ही है इस बात को हमारे सामने रखा हुआ है। अगले विद्वान या जो ब्रिटेनिया जो विश्वकोश है इसके बारे में इस प्रकार से परिभाषा लिखित है, द वर्ड फिलोलॉजी इज हियर टेकन एज मीनिंग द साइंस ऑफ लैंग्वेज, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज
दस कॉम करस्पॉन्डिंग टू लिंग्विस्टिक्स, अर्थात फिलोलॉजी का जो अर्थ है वही अर्थ लिंग्विस्टिक्स का है। लिंग्विस्टिक्स के अंतर्गत भाषाओं का अध्ययन रचना और विकास के दृष्टि से किया जाता है, यानी लिंग्विस्टिक के अंतर्गत यहाँ पर भाषाओं का अध्ययन, वह भाषा का रचनात्मक स्तर कैसा है, वह किस प्रकार से है, और वह उसका तो अध्ययन हो गया और अब विकास के लिए किस प्रकार से वह प्रयासरत है, या विकास के दृष्टि से उसमें कौन कौन सी मौलिक बातें हैं, इनका भी सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाता है, उसे वह भाषा विज्ञान मानते हैं। इस प्रकार से पाश्चात्य विद्वान कहो या अंग्रेजी की परिभाषा कहो, हमने उसके आधार पर भी भाषा विज्ञान का स्वरूप देखा। साथ में हमारे भारतीय विद्वानों ने भी भाषा विज्ञान के परिभाषाओं द्वारा उसके स्वरूप को हमारे सामने रखा हुआ है। इस संदर्भ में दिए गए भारतीय विद्वानों के प्रत्येक मंतव्य का अपना महत्व है। भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन की दिशाएं भिन्न हो सकती है, किंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना अनिवार्य है, इस बात से भी हम जो है अवगत हो गए हैं। इस प्रकार अब भाषा विज्ञान की परिभाषाओं को देखने के बाद अगली तासिका में हम भाषा विज्ञान के स्वरूप का अध्ययन करेंगे, या उसके मूल जो बिंदु है भाषा विज्ञान के, वह देखेंगे। धन्यवाद।